नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम ग्रेनाइट का डोर फ्रेम कैसे बैठाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले पुराना लकड़ी का जो फ्रेम है उसको डिसमेंटल किया गया, तो तोड़ा है। उसके बाद में उसका लेवल लेने के लिए एक ठिया लिया है, इधर आप देख सकते हैं। ये डोर फ्रेम के साइड से वो ग्रेनाइट का कटिंग करते हैं, इधर आप देख सकते हैं। दोनों साइड वर्टिकल और वो एक हॉरिजॉन्टल टॉप वाला। इसमें टोटल एक साइड में दो ग्रेनाइट, दूसरे साइड में दो ग्रेनाइट, दोनों वर्टिकल, और टॉप में दो ग्रेनाइट, ऐसे टोटल 6 पीस लगते हैं। ये मेजरमेंट लेके इसका कटिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर घर के रेनोवेशन काम है, अभी पुराने वुडन फ्रेम निकाल के ग्रेनाइट फ्रेम बैठाने का ही ज़्यादा ये चल रहा है। बहुत लोगों को ये ग्रेनाइट डोर फ्रेम लगाना पसंद भी आता है, इसके लिए लुक भी अच्छा लगता है। ग्रेनाइट डोर फ्रेम बैठाते समय मेनली जो साइड का लेंथ है, दोनों साइड लेंथ और ऊपर का बेड, वो उसका मेजरमेंट एकदम ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं एडाइडाइट एक केमिकल है जो ग्रेनाइट को चिपकाने के लिए काम करता है, जिसमें एक थिनर और हार्डनर दोनों है और दोनों ये मिक्स करके उसको लगाते हैं ताकि ये ग्रेनाइट वो दीवार को पकड़ के रखे। ये देखिए वो ग्रेनाइट को अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं। एडाइडाइट मेनली ग्रेनाइट को चिपकाने के लिए काम आता है। ये देखिए अभी लगा के चेक कर रहे हैं जैसे इसका हाइट बराबर प्रॉपर है कि नहीं। देखिए ऊपर में और इसके ऊपर ये पूरा एक मोटर लगा रहे हैं, सीमेंट का ही लगा रहे हैं पूरा। ये पूरा लगाने के बाद में ये ग्रेनाइट वो दीवार के फ्रेम को लगाते हैं। इसमें ऊपर में जो गैप छोड़ा हुआ है वो ऊपर में वर्टिक अपना हॉरिजॉन्टल पीस आएगा उसके लिए रखा गया है। इसका प्लम चेक करते हैं वो एकदम बराबर वर्टिकल है कि नहीं, उसका वर्टिकलिटी। ये एराल्डियट है, ये ग्रेनाइट वहां फिक्स करने के बाद में साइड से पूरा उसको मोटर से सीमेंट से
अच्छा से उसको फिक्स फिनिश कर देते हैं। ये दूसरा पीस है, उसको भी ऐसा ही सेम एरोडेड लगा के इसमें सीमेंट और मॉर्टर लगा करके पूरा ही देख सकते हैं। इसका प्लम चेक करें, देखिए वर्टिकलिटी दोनों साइड से, अंदर साइड से भी इसका प्लम चेक कर रहे हैं। डोर फ्रेम का प्रॉपर फिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से डोर भी बैठता है अपना। डोर फ्रेम के डाइमेंशंस जैसे नीचे में, सेंटर में या फिर टॉप में बराबर होने चाहिए, उसका प्लम बराबर होना चाहिए, वर्टिकलिटी बराबर होनी चाहिए, तभी वो डोर उसमें बैठ सकता है। ये देखिए इसमें सीमेंट का ही बना रहे, सीमेंट और मॉर्टर, सीमेंट और इसमें वो एक MYK का केमिकल जैसे एडिजिव बोल सकते हैं, ये हम MYK लैटिक्रेट सीमेंट और ये मिक्स करके उसको लगाते हैं। यही मोटर ग्रेनाइट के पीछे लगा करके ग्रेनाइट उसमें फिक्स करते हैं। MYK लैटिक्रेट पाउडर सीमेंट में मिक्स करके उसको पानी डाल के उसका मोटर बनाते हैं। ये मोटर ग्रेनाइट में जो ये लगा रहता है एडेडेट, उसके ऊपर ये मोटर अप्लाई करते हैं, उसके बाद में ग्रेनाइट फिक्स करते हैं। अभी एक देख सकते, ये ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो फिक्स कर रहे हैं। ये फिक्स करते समय और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसके एज थोड़ा शार्प करके चैम्पर टाइप करते हैं, ताकि वो बराबर बैठ सके उसमें। इसमें ये दूसरा पीस लगा रहे हैं, पहला पीस फिक्स हो गया, अभी दूसरा पीस लगा रहे हैं। टोटल जैसे मैंने बोला आपको चार पीस लगता है, ये अंदर का पीस, ये बाहर का पीस, दूसरे साइड में सेम वैसे ही अंदर का एक और बाहर का, ऐसे चार टोटल ग्रेनाइट वर्टिकल पीस लगते हैं, और टॉप में दो हॉरिजॉन्टल पीस लगते हैं। ये अभी फिक्सिंग करने के लिए मोटर से लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये दूसरा पीस कैसे लगाया है।
ये देखिए इसमें क्लियर दिखता है अंदर का पीस और बाहर का पीस। ये पुराना डोर फ्रेम इधर का देख सकते हैं आप और ये अभी नया डोर फ्रेम। आपके व्यू एकदम क्लियर पता चल जाएगा। ये दोनों साइड का दोनों पीस फिक्स होने के बाद में ये देखिए आप ग्रेनाइट आप देख सकते हैं कैसा है। ये अंदर का पीस है बाहर का पीस और इस गैप में ये एक डोर लग सकता है। इसके लिए डोर के लिए हिंजेस वगैरह लगा के डोर लगा सकते हैं। ये तीनों साइड में जो ऑफसेट है वो बराबर आना चाहिए, सेम डायमेंशन आना चाहिए, उसके हिसाब से ये बैठाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये टॉप साइड में भी पूरा मोटर लगा के फिनिश कर रहे हैं। इसे तीनों साइड अंदर से और बाहर से प्रॉपरली मोटर लगा के फिनिश करते हैं। उसके बाद फिनिश होने के बाद में उसमें सीमेंट से हल्का सा एक लेयर पतला सीमेंट का ये लगा के उसके ऊपर ब्रश मार देते हैं। ये देखिए आप ऊपर में मोटर लगा करके उसको फिनिशिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सूखा सीमेंट लगा करके उसको अप्लाई करके बाद में फिर से मोटर लगा रहे हैं। ये पूरा फ्रेम होने के बाद में नीचे में जो प्लेस रहता है वहाँ एक उमरा पट्टी बनाते हैं, वो भी ग्रेनाइट का ही बनाते हैं। ये देखिए साइड में प्रॉपरली फिनिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये फ्रेम रेडी होने के बाद ऐसा दिखता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।